हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका सरिता झा के रेसिपी एंड ब्लॉग्स में। तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही यूनिक एंड लवली सब्जी लेके आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है। तो चलिए, बैंगन की सब्जी है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बैंगन लिया है एक किलो के करीब। एक किलो में थोड़ा कम होगा, तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो इसको हमने काटा भी अलग शेप में है, ये जैसे इसको दो चीरा ऐसे करके करना है दो साइड, और फिर इसके टुकड़े करने हैं मोटे मोटे। तो ये देखिए इस शेप में। तो मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखी हूँ, इसलिए मैं एक हाथ का यूज कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस शेप में काटना है बैंगन को। तो बैंगन हमने काट लिया है, ये देखिए बैंगन काट लिया है। अब इसके लिए मसाले तैयार किए हैं। तो ये प्याज ली हूँ, लहसुन, मिर्ची, टमाटर। तो अब इनको भी, प्याज को टमाटर को काट लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन भी हमने ले लिया, अभी इसको काट कर लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे, और बैंगन को, कटी हुई बैंगन को हमें फ्राई करनी है। तो फ्राई करनी है तो आप नमक डाल के भी फ्राई कर सकते हो। मैंने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक डालने से क्या होता है, हमारे बैंगन में पानी छूट जाते हैं, जो कि पानी हमें नहीं चाहिए, सूखा बैंगन चाहिए फ्राई किया हुआ। तो इसलिए मैंने नमक नहीं डाला है। तो चलिए अभी मसाले पीस लेते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्ची, सब इनका पेस्ट बनाना है। तो तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो ये देखिए पेस्ट बना लिया है, और बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बैंगन, जो हमने बैंगन काटे हैं, उन सारे को पेस्ट बना लेना है, फ्राई कर लेना है। तो ये लिया है हमने मंगोड़ी, अदौड़ी कहते हैं हमारे बिहारी में इसको, आप लोग क्या कहते हैं इसको मुझे नहीं पता, लेकिन ये दाल के बनते हैं, चने के दाल के, उड़द के दाल के, तो ये वही है। तो अब हमने उसको भी भून लिया तेल में। तो अब तेल में हमने थोड़े से मेथी के दाने डाले बची हुई तेल में, और थोड़ी सी चुटकी भर हींग। अब इनको चटकने के बाद हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिए हैं। तो अब इसको धीमी आंच पे हमें भूनना है, जब तक कि इसमें से ये पानी ना सूख जाए। तो इसमें नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो 2 मिनट हो चुका है भूनने के बाद। तो अब इसमें मसाले ऐड करने हैं, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले, मिर्च पाउडर, मिक्स मसाला, जो भी मसाले आपके पास अवेलेबल हो। तो ये देखिए, तो देखिए अब इसमें सारे मसाले डालने के बाद उसको 2 मिनट हमने भूना। और ये लिया है हमने राई, राई को हमने पेस्ट बना लिया है। तो आपके पास सरसों हो तो सरसों का भी पेस्ट बना सकते हो, राई या सरसों दोनों का चलेगा। तो अब इसको अच्छे से मिला लेंगे हम, जब इसमें लगे आपको जो, हाँ, तेल छोड़ने लग गया है कढ़ाई। ये देखिए बिल्कुल मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इसमें हम फ्राई की हुई बैंगन डाल देंगे। तो यकीन मानिए, ये बिल्कुल अलग तरीके से बैंगन की सब्ज़ी है। जो आपके घर में नहीं भी खाते हैं तो वो भी इसको हंसते हंसते खाएंगे और मांगेंगे, बल्कि अगर आप इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाते हैं तो। तो देखिए अब ये हम मिला चुके हैं। तो अब इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमारा बैंगन फ्राई है। तो अब इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे ये मंगोड़ी डालने के बाद, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पकाते हैं तो हमारा बैंगन टूट सकता है। तो इसलिए अब ज़्यादा नहीं पकाना है, पानी डाल देंगे, जितना पानी चाहिए, आप चाहे तो और भी डाल सकते हो। रोटी के साथ खाना है तो आप कम डालना। तो अब इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। तो देखिए हमारा बन चुका है सब्जी, तो हमने गैस बंद कर दिया। तो अब इसको हम परोसेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच आपका दिल से।